निजी संक्रमणीय भूमि पर दबंगई के बल पर कब्जा किए जाने से परेशान दिव्यांग ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की गुहार लगाई। उपजिलाधिकारी ने पीड़ित को मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जुगराजपुर निवासी सतीश कुमार मिश्रा पुत्र राज बहादुर ने उपजिलाधिकारी लवगीत कौर को शिकायती पत्र दिया, जिसमें बताया कि उसके नाम जुगराजपुर मजरा में संक्रमणीय भूमि संख्या 918 का दर्ज है और पैरों से विकलांग है। उसकी भूमि पर गांव के ही विपक्षीगढ़ ने दबंगई के बल पर कब्जा कर लिया और बाउंड्री वाल भी बना ली। पंडित ने बताया कि जब उसके द्वारा कब्जे का विरोध किया तो विपक्षीगढ़ गाली गलौज करने के साथ झगड़ा फसाद पर आमदा हो जाता है। पंडित ने उपजिलाधिकारी से विपक्षी भूमि कब्जा मुक्त कराने के साथ कार्यवाही की गुहार लगाई। संवाददाता अमित कुमार शर्मा विधान हो रही है। क्या नाम आपका? सतीश कुमार मिश्रा। पिताजी का नाम? राज बहादुर मिश्रा। कांक निवासी हो? ग्राम गोराजपुर। थाना? बिलगुना। क्या मामला है ये पूरा? मामला ये है, हमारी 918 घाटा संख्या पर कब्जा कर रखा है उन्होंने और मकान बना रहे हैं चक्रोड़ पर। कौन लोग हैं? उनका नाम है लल्ला मिश्रा, राजेश मिश्रा, सनब राम किशन, ग्राम गोराजपुर। फिर? और जब उनसे हमने कहा साहब हमारी जमीन पर कब्जा क्यों कर रहे हैं, तो वो लोग मारने लड़ाई झगड़े में वादा हो जाते हैं। हम 86% विकलांग आदमी हैं, तो साहब वो कहते हैं तेरी एक टांग टूटी दूसरी भी तोड़ देंगे। उन्होंने दहशत का माहौल बना रखा है गांव में। हमारी जमीन के अलावा उन्होंने बाकी सरकारी जमीन भी कब्जा रखी है। और जब ही उनसे कहने के लिए हम जाते हैं तो हमारे साथ अभद्र गालियाँ देते हैं, मारपीट करते हैं और ये कहते हैं तेरी औकात क्या है जो तू हमारे को यहाँ से जमीन खाली करा लेगा। हमारी जबरदस्ती से जमीन दबंगई गुंडई से जमीन कब्जा कर रखी है और मारने की धमकी देते हैं साहब। बिलोना SDM तहसीलदार के पास जाते हैं साहब तो हमारे मामले की कोई सुनवाई नहीं होती। हम दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए, हमें न्याय नहीं दिया जाता। और प्रशासन से हमारी गुहार है कि साहब अगर हमें जान माल का खतरा भी है इनसे, अगर मुझे कुछ होता है तो इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये विपक्षी गढ़ बहुत दबंग लोग हैं।